तो हम लोग काफी आगे हैं उस मामले में। वैसे संविधान को हमको रोज प्रण करना चाहिए कि वो बचा रहे। सबके लिए बस एक उपाय है कि सभी अपना अपना कर्तव्य करें। वन और वन्य प्राणी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है कि हमारे अंदर जो भी मजदूर काम करते हैं, हमारे अंदर जो भी हमारे, मैं जिस स्तर का अधिकारी हूँ, आप जिस स्तर के अधिकारी हो, रेंज अफसर जिस स्तर के अधिकारी हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी, एकमात्र यही उपाय है जिससे हम अपने संविधान को बचा सकते हैं। अपने प्रियम्बल कुछ नहीं है, वो प्रियम्बल हमारे अधिकार और कर्तव्य का एक छोटा सा लिखित नमूना है, उसे हमें बिल्कुल अपने हृदय में उतार कर रखना चाहिए। अगर उस पर कोई भी दाग लगाता है, उस पर कर्ताओं से भरा हुआ यह देश का आत्मा है, हमें इसकी पूरी पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। चाहे आपके परिवार में कोई सदस्य हो, आपके समाज में कोई सदस्य हो, आपके नौकरी करते हुए आपके साथ कोई सहकर्मी हो, अगर इस प्रियम्बल का उल्लंघन करता है तो आपको विरोध करना चाहिए। विरोध का मतलब ये नहीं कि हिंसक विरोध, विरोध करना चाहिए। आप सत्याग्रह करिए, आप अहिंसक उससे आग्रह करिए, ये गलत है, क्योंकि ये संविधान मामूली चीज नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे अफ्रीका के कई देश है अपनी आजादी को फील कर सकते, वो 80% तबका को हम लोग शिक्षा का अधिकार दिए, उसके रीति रिवाज को सुरक्षा का अधिकार दिए कि हम लोग जो भी मजदूरों को रोजगार देते हैं, जो भी वृक्षारोपण करते हैं या अन्य कार्य करते हैं, वो हमारे कलम से उसको मजदूरी मिलती है, आपकी कलम से मजदूरी मिलती है। तो मैं इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सबसे अपील करूंगा कि उस मजदूरी को 100% उसके खाते में जाने चाहिए, स्वास्थ्य के लिए लगाएगा, उसके रहने के लिए व्यवस्था करने में लगाएगा, और जिस दिन आप उसको कटौती करके देंगे उतने उसको कम मिलेगा शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अपने रहने के लिए। तो देश बनता है सभी नागरिकों से, केवल आपसे और हमसे नहीं। जब तक हम सभी नागरिकों की सेवा नहीं करेंगे, सभी नागरिकों को हाँ जी, कहाँ घुसे? तीन नंबर वाली, तीन नंबर किसने? नीचे यार, हाँ नीचे बैठे, सीढ़ी बैठी जाके फोड़ दीजिए। कितना नसीबा वाला था, मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है।
जैसे करो उठाओ इसको उठाओ जय हिंद जय हिंद ऐसे करा जय हिंद बोली भारत माता की मातरम धरती आमा हम लगवा रहे हैं